ये सारी पार्टियां, इनके सारे आगू केवल और केवल मेरे को और भगवंत मान को गालियां दे रहे हैं। कल अमित शाह जी आए, अमित शाह जी ने केवल आम आदमी पार्टी और मेरे को गालियां दी। चन्नी साहब सुबह उठते हैं और शाम को सोने तक केवल मेरे को और भगवंत मान को गालियां देते हैं। बादल, सुखबीर बादल का नाम भी नहीं लेते। सुखबीर बादल साहब केवल और मेरे को और भगवंत मान को गालियां देते हैं, वो चन्नी साहब का कभी नाम ले लेते हैं। प्रियंका गांधी आई, केवल मेरे को गालियां दे रही थी। ऐसे लगता है जैसे ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और इकट्ठे होके एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही इनकी शब्दावली है सबकी। ये सारे ऐसे लगता है इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होके ये हम लोगों को गालियां दे रहे हैं। हमारा कसूर क्या है? हमने अपना, हम पंजाब में जगह जगह जा रहे हैं, कोने कोने में जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, इंटरव्यू भी करते हैं, उसमें हम यही तो कह रहे हैं कि दिल्ली में हमने स्कूल अच्छे किए, हमें वोट दो, हम यहाँ भी स्कूल अच्छे करेंगे। हम यही तो कह रहे हैं कि हमने अस्पताल अच्छे किए, यहाँ भी अस्पताल अच्छे करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देंगे। बेअदबी करने वालों के खिलाफ सजा करेंगे, बेअदबी का न्याय दिलाएंगे, बिजली ठीक करेंगे, सड़क ठीक करेंगे, यही तो कह रहे हैं हम लोग, एक ईमानदार सरकार देंगे। ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, ये आम आदमी पार्टी को नहीं, ये पंजाब को हराना चाहती हैं। ये पार्टियां नहीं चाहती कि किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। ये पार्टियां चाहती हैं कि जिस तरह से ये 70 साल से पंजाब को लूट रहे थे ये पार्टियां, ऐसे ही ये लूटते रहे। इनकी लूट बंद नहीं होनी चाहिए। इनको डर है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो इनकी परमानेंटली लूट खत्म हो जाएगी, फिर इनको लूटने के मौके नहीं मिलेंगे। ये पंजाब को हराना चाहते हैं ये सारी पार्टियां। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Voter Story and support independent, robust journalism.